क्या बात है। देश को जवाब दो में आपका स्वागत है और आज जहां पे मैं मौजूद हूं उस जगह को बस्ती कहते हैं। कस्बा जयपुर के बिल्कुल 25 किलोमीटर दूर और यहाँ की बेहद खूबसूरत और बेहतरीन जनता, स्वागत करता हूँ साहब। बहुत बहुत लाजवाब जनता। और यकीन मानिए आज जो आधा घंटा 42 मिनट 45 मिनट होंगे उसमें जो नहीं दिखेगा मैं आज पहले वो बताता हूँ। लोग बताते हैं कि जो दिखेगा वो मैं बताता हूँ, जो नहीं दिखेगा मैं आज वो बताता हूँ। आज के पूरे प्रोग्राम में जो नहीं दिखेगा उसका नाम है नेता, नेता और नेता। नहीं दिखेगा, जो नहीं दिखेगी वो नहीं दिखेगी क्या, कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई नहीं दिखेगी। और सिर्फ बात होगी जनता की, क्योंकि जनता पूछेगी आज सवाल और जवाब देना होगा देश के उन तमाम लोगों को जो जिम्मेदार हैं, जिन्होंने वायदे किए, वो लोग जो यहां से चुने जाते हैं, वो लोग जो लगातार बार बार आपसे वायदा करते हैं। तो आज देश को जवाब दो में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत करना चाहता हूं, मैं शुरुआत करना चाहता हूं और शुरुआत करूं उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं जो महत्वपूर्ण है वो ये कि ये वीर विदा जी की भूमि है। जो लोग नहीं जानते इस इलाके से दूर है, वाकिफ नहीं है, मैं उनको बताऊं इतने बहादुर इतने पराक्रमी वीर विदा जी कि सर कहीं गिरा 3 किलोमीटर दूर और धड़ युद्ध करता रहा। तो ऐसे पराक्रमी भूमि को मैं प्रणाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप हम पर आशीर्वाद बनाए रहेंगे। थैंक यू। तो साहब समस्या क्या है यह मैं बताऊंगा। पाजी आज थोड़ा परे हट के बात करेंगे, थोड़ा परे परे चेहरा अगर थोड़ा सा हल्का सा डिम भी दिखेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन बात आपको पूरी सुनाई देगी और शिद्दत के साथ सुनाई देगी। समस्या लोगों ने कहा कि क्या है, बोले साहब नल है, बड़ी अच्छी चीज है, यहां पे नल है लेकिन पानी नहीं है, स्टेशन है लेकिन ट्रेन नहीं है। देखो भाई जोर से बोलोगे तब तो मजा आएगा। स्टेशन है लेकिन ट्रेन नहीं है, नल है लेकिन पानी नहीं है। बहुत अच्छे। हॉस्पिटल है सुविधा नहीं है, और हाँ जी घर घर में गाड़ी है लेकिन सड़क नहीं है, घर घर में गाड़ी है लेकिन सड़क नहीं है। बहुत अच्छा। मुझे और भी बताया कि बच्चे बच्चे तो हैं पढ़ने वाले लेकिन एजुकेशन सिस्टम नहीं है, एजुकेशन लोगों को अटैक आ रहे हैं, पार्क नहीं है। तो ऐसी खूबसूरत धरा को, ऐसी खूबसूरत जगह को अगर किसी की जरूरत थी तो और देश को जवाब दो में आज यहां पर मौजूद है। सवाल यह है कि पहला जो काम मैं करने जा रहा हूं वो ये कि अमूमन जितनी डिबेट आजकल होती हैं, बाबूजी जो भी डिबेट दिखाई जाती है टेलीविजन में उसमें सबसे पहले नेता चमकाए जाते हैं, चमकाए जाते हैं, उसके बाद फिर जनता की तरफ नंबर आता है। तो जब तक हो हल्ले के बाद नंबर आता है तब तक तो मामला खत्म हो जाता है। तो आज के हमारे प्रोग्राम के जो सदर हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिसका मैंने घोषणा की है वो ये हैं गोपाल जी, जिनको मैं नहीं जानता लेकिन जानने की जरूरत नहीं है, गोपाल जी हमारे साथ हैं, हैं कि नहीं है। तो सवाल ये है कि पहली समस्या कौन बताएगा, हाथ उठाइए। जी जनाब अली खड़े होइए। क्या नाम है साहब? सरवण लाल मीणा जी। यहाँ बस्ती में सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ महिला महाविद्यालय नहीं है, जो यहाँ की बच्चियाँ पढ़ने में बहुत टैलेंटेड है लेकिन महाविद्यालय न होने यहाँ से 25 किलोमीटर वहाँ को जयपुर जाना पड़ता है, तो ये सबसे बड़ी एक भयंकर समस्या है जो बच्चियों के लिए आने जाने में बसों की सुविधा भी एक नकारात्मक है, कभी कभी आती है कभी नहीं मिलती है, अभी लो फ्लोर चलती है जिसमें बच्चे भी होते हैं, काफ़ी भीड़ होती है, आबादी ज़्यादा है यहाँ पे। तो मेरी समझ मुझे बताया लोगों ने कि यहाँ पे शुक्रिया कि 25 किलोमीटर दूर है तो दीवार जो है वो ये है कि जो दूरी है इसीलिए लड़कियां यहाँ पे स्कूल जाने से पहले ही छोड़ देती, कुछ देर गई उसके बाद छोड़ देती, ये सही है बात कि नहीं? जी खड़े हो साहब जी।
ये भाई साहब सही कह रहे हैं, यहाँ पर क्या है बच्चियाँ हैं और 25 किलोमीटर दूर जाती है सुबह बेचारी उठ के, अब यहाँ कॉलेज हो तो यहाँ की यहाँ बच्ची पढ़े लिखे अच्छे उस पे पहुंचे, तो यहाँ बच्चियों की सुविधा बिल्कुल भी नहीं है, स्कूल की सुविधा बिल्कुल नहीं है, ट्रेन है ट्रेन रुकती नहीं है, जैसे भी सब भाई जानते हैं काफी दिनों से रेलवे स्टेशन है यहाँ पर ट्रेन रुकती नहीं है, हम बिजनेसमैन है दिल्ली जाते हैं बॉम्बे जाते हैं, हमको जाना पड़ता है दौसा या जयपुर, तो हमारी ये समस्या है, ट्रेन भी रुके यहाँ हमारे यहाँ पर बस्सी के अंदर, और लड़कियों की कॉलेज होए जी ये। तो देश से जो सवाल बस्सी पूछ रहा है, बस्सी ये कस्बा जो सवाल पूछ रहा है वो ये कि लड़कियों के लिए विद्यालय हो और वो यही बस्ती में हो और महाविद्यालय। दूसरा सवाल वो ये पूछ रहा है कि यहाँ पर सिर्फ ट्रेन आके दीदार करके ना चली जाए, यहाँ रुके, ये दूसरा सवाल। मैं यहाँ पे जो एक गणमान्य पत्रकार बैठे मौजूद है, मैं उनसे भी खड़ा करना चाहता हूँ। जी बाबूजी, क्या नाम है आपका साहब? सुधीर मोहन शर्मा जी। सुधीर जी, सवाल आप पूछें, देश को जवाब दो। मैं आज ऐसा है जैसे ट्रेन वाली बात है जी, तो यहाँ पर सब जो है ब्रिटिश काल का स्टेशन है जी, ब्रिटिश टाइम से यहाँ ट्रेनें रुकती थी पहले, जब मीटर गेज था यहाँ पे जी, और मीटर गेज को जो ब्रॉड गेज में कन्वर्ट होने के बाद से ट्रेनों की यहाँ स्कर्सिटी आ गई जी। अब क्या है कि यहाँ पर तीन रिको हैं जी, दो बस्सी में हैं जी, इंडस्ट्रियल एरिया है जी, एक कानोता में है जी, उनके हमारे नॉर्दर्न इंडिया के लोग बहुत सारे काम करते हैं, कम से कम 40-50 हजार लोग यहाँ काम करते हैं, और उनके आने जाने के आप बैठ जाइए वहाँ पे, उठिएगा मत, उनके आने जाने के लिए उनको या तो जयपुर जाकर के पकड़नी पड़ती है ट्रेन हाँ। या दौसा जाकर के ट्रेन पकड़नी पड़ती है जी। तो ये जी 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 मुझे मालूम है कि बहुत सारी समस्याएं हैं जिनसे मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूं, जिसके लिए मैं यहां आया था। बैठिए साहब, तशरीफ रखिए। बाबू जी आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। मेट्रो जयपुर में मेट्रो लगाइए, वो बस्सी तक मेट्रो, बस्सी तक मेट्रो क्यों नहीं हो सकती? बहुत बड़ी, अगर जयपुर तक है मेट्रो तो बस्सी तक मेट्रो क्यों नहीं हो सकती? तमाम नौजवानों के चेहरे खिलते हुए नजर आ गए कि भाई हम भी तो एसी में बैठ सकते हैं, और उसी और 25 जी कोई बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, 25 किलोमीटर कोई बहुत ज्यादा दूरी नहीं होती, लेकिन मुझे बताया कि आपका जो ये बस्सी है भाई, अगर कुर्सी की खींचतान है तो मैं सुलझा देता हूं भाई, कुर्सी की अगर खींचतान है तो बैठा दो, बुजुर्ग को बैठा दो, और जो खड़े हैं वो खड़े रहे दो। कितने उम्मीदवार आपके यहां से खड़े हैं? 16 15 और बड़ा रोचक मुकाबला होता है पूरे देश में, लोग कहते हैं कि बस्सी इसलिए बड़ा मशहूर है, क्यों साहब क्या होता है रोचक मुकाबला बताइए? यहाँ खड़े होइए साहब, या किसी भी कोई भी पार्टी के आते हैं लेकिन उसको कभी समर्थन जनता देती ही नहीं है। 28 साल हो गए यहाँ पर, 28 साल से 4 बार तो बीजेपी ने राज किया है हाँ। और 2 बार हमारे निर्दलीय बराबर कंटिन्यू वही राज कर रहे हैं, और अब कभी पता नहीं क्या होगा, भगवान ही मालिक है। लोग कहते हैं यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी नहीं जीतती है जी, रोजगार का मुद्दा, मैं आ रहा हूँ तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो नहीं जीतती, जो भी आएगा सशक्त नेता और दमदार नेता आएगा आपकी बार। चलो ये क्या बात है जी, अब की बार जो भी नेता आएगा बस्सी में हाँ। वो दमदार और सशक्त आएगा और बस्सी का विकास कराने वाला आएगा। बल बिना बाबा की क्या बात है। तो यहाँ पर खास बात ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है अपना बस्ता बंद कर लेती है, और यहाँ पर बस्ता है जी है, बात नहीं है हाँ। ये बात अच्छा, मैं आ रहा हाँ। पार्टियों की गिनती लोकसभा चुनाव में होती है हाँ। इतिहास गवाह है कि लोकसभा चुनाव में हमेशा यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने लीड ली है हाँ। और रही बात पार्टियों की, तो 4 बार हाँ। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए रहे हैं हाँ। और इस बार भी हाँ। वापस भारतीय जनता पार्टी के एमएलए बनेंगे, राजस्थान विधानसभा में जाएंगे। ये जो पुरुषोत्तम जी जो कह रहे हैं हाँ, ये बिल्कुल गलत है जी। यहाँ पार्टियां एक मिनट प्लीज बैठिए
बैठिए चुपचाप चुपचाप प्लीज नहीं नो 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 प्लीज 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 मैं आपसे मैं देखिए अगर अगर उसको तब्दील करना है वही उसी तरह में तो हो जाएगा प्लीज आप शांत रहे आपकी मैंने इतनी बढ़िया तस्वीर खींची आप पूरा देश देख रहा है भाई साहब बड़ा धैर्य से ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपको हाँ एक मिनट बस्सी की जनता का काम है वन मिनट अपनी बात रखना है तो मुझे बैठिए मैं आपका चैनल देखता रहता हूँ मैं रेगुलर आपका एक मिनट प्लीज प्लीज मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ प्लीज प्लीज बैठिए बैठिए प्लीज बैठिए बैठो चुप जाओ प्लीज मैं न्यूज 18 को हमेशा देखता रहता हूँ और खास तौर से आपका कार्यक्रम कभी छोड़ता नहीं हूँ देख रहे हैं पूरी जान निकाल दी दो तीन मिनट में अंदर मैं आपका फैन हूँ इसमें लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे एक बात मैं आपसे एक बात कहूँ अगर उनकी पुरुषोत्तम जी की बात का कोई जवाब देना चाह रहे हैं तो आप मत दीजिएगा क्योंकि आदमी बड़ा वो होता है जो लकीर बड़ी खींचता है आदमी बड़ा वो नहीं होता जो हर सवाल के जवाब देता है कोई नहीं मैं अपनी बात तुम अपनी बात कहना लेकिन बस्ती से जुड़ी हुई बात कहना तबीयत खुश हो जाएगी बस्ती से जुड़ी हुई बात कहूंगा कि यहाँ पर अब तक जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं वो 30 वर्ष से यहाँ के लोकल नहीं है बस्ती में जो भी आता है और वो बस्ती को अपना उपयोग करके और छोड़ जाता है बस्ती में पहली बार एक स्थानीय व्यक्ति है जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा है जो एडिशनल डीजी पद को छोड़ करके आया है लोगों की सेवा करने के लिए बहुत अच्छी बात जो लक्ष्मण मीना जी हैं मैं आपको निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि बस्ती में मेट्रोपॉलिटन सिटी के बिल्कुल नजदीक होते हुए यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है हाँ। पार्क नहीं है रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का ठहराव नहीं है हाँ। सरकारी बसें हाँ। नहीं है इस रूट से ये स्टेट हाईवे कोई बस भी सरकारी गुजरती नहीं है सिर्फ तुंगा तक लो फ्लोर बसें जाती है जो लक्ष्मण जी ने कांग्रेस गवर्नमेंट में गहलोत सरकार से लगवाई थी बहुत अच्छी बात बहुत अच्छी बात मैं निवेदन करूंगा मैं आपसे एक अनुरोध और करूंगा प्लीज वक्त जाया मत करें पता नहीं फिर कब आए नंबर बस्ती का सर वन मिनट इसलिए प्रचार मत करें अपनी समस्याएं जल्दी बताएं बस्ती में हेल्दी एटमॉस्फेयर नहीं है जॉगिंग के लिए एक जगह नहीं है इतना बड़ा कस्बा है यहाँ पर हाँ। पहले ये म्युनिसिपैलिटी थी म्युनिसिपैलिटी को डिक्रीज करके ग्राम पंचायत कर दिया 1979 में आज तक ग्राम पंचायत चली आ रही है डिक्रीज गहलोत सरकार में इसको नगरपालिका वापस से घोषित किया वसुंधरा जी ने आते फिर डिक्रीज कर दिया और इसको ग्राम पंचायत कर दिया बस्ती की जनता इसको माफ नहीं करेगी वसुंधरा सरकार को बहुत अच्छी बात मैं लूंगा एक मिनट मैं पूछूंगा मैं आ रहा हूँ प्रधान जी आ रहा हूँ जी एक मिनट मुझे मालूम है कि अगर मैं युवा तुम हाँ तुम युवा ही हो मुझे कोई शक नहीं है लेकिन एक चीज मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसे उस तरह का मत बना दीजिए कि एक आदमी खड़ा हो हाँ उस तरह का मैंने आपको इसीलिए यहाँ पर नियुक्त किया था कि इसको उस तरह का मत बनाइए जी भैया कहो क्या नाम है तुम्हारा सतीश कुमार शर्मा जी शर्मा जी आप यहीं के रहने वाले हैं बस्ती के बिल्कुल यहीं का रहने वाला हूँ रेलवे स्टेशन के पास में रहता हूँ वाह त्रिदीक जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि वास्तव में बस्ती विकास में बहुत पिछड़ी रही है लेकिन इस सरकार ने आके दो चार काम ऐसे किए हैं जैसे आरओबी बनी है एफओबी बनी है ये गंगापुर वाला रोड बना है ना ये सरकार के कार्यकाल में हुआ है और अभी भी बीसलपुर का पानी आया है और ये सब इस सरकार ने किया है और कांग्रेस वाले क्या कहते हैं हमने पास किया था वो सिर्फ पास करते हैं करती भारतीय जनता पार्टी है जी मौका दूंगा बिल्कुल पीछे पाजी पीछे हो पाजी एक मिनट बैठो सरपंच साहब को बगैर पूछे प्रोग्राम नहीं खत्म करूंगा पर पहले जरा पाजी जनता दिखाओ कितनी जबरदस्त है पाजी बहुत बहुत शुक्रिया पाजी हमारे वो कैप्सूल हैं जी वो कैप्सूल हैं जब कहीं कोई चीज गड़बड़ होती है तो मैं उन्हीं को याद करता हूँ
शुक्रिया, खड़े हुए जी। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, थोड़ा सा मुझे मैं पिछले तीन महीने से मैं दौरा कर रहा हूं। मैं थोड़ा सा जी। हाँ जी जी बोलिए। मैं श्री नारायण नयागांव तहसील बसी जिला जयपुर का रहने वाला हूँ। क्या बात है, क्या नाम है आपका? श्री नारायण शर्मा। वाह, पूछिए। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे देश में बातें तो बहुत लंबी लंबी होती है, लेकिन काम कुछ नहीं होता है। एक मिनट, हमारे देश में गायों की ये दशा हो रही है, अगर जो रोडों पे घूम रही है जनता एक्सीडेंट होके मर रही है, तो इस सरकार ने इस गायों के नाम पे पैसा बहुत बर्बाद कर रही है, लेकिन इनकी व्यवस्था नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि हर पंचायत में गायों के लिए व्यवस्था होनी जरूरी है। क्या बात, बहुत अच्छी बात। और मैं शर्मा जी आपकी बात को 100% सच मानता हूं। मैं रातों में जब मैं हाईवे पे गुजरता हूं, तो जो गाय हाईवे पे खड़ी रहती हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उनकी वजह से, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और ये बड़ी समस्या है देश के सामने। पैसा बहुत बुहारी है जनता, यानी सरकार पैसा बहुत बुहारी है, लेकिन इस कार्य में मैं तो नील मानता हूं। अगर हर पंचायत में व्यवस्था की जाए गायों के लिए, तो भगवान भी बख्शेगा और जनता भी खुश हो जाएगी। काश्तकारों के लिए फसल को चौपट कर देती है, उनको धेड़ा मरता है, तारों में कट जाती है, मर जाती है, कोई काटता है, कोई मारता है, तो ये सत्यानाश हो रहा है गायों का और जानवरों का। आप क्या चाहते हैं कि जो काम पंचायत है, ग्राम पंचायत, उसमें जो प्रधान है उसको ये ताकत दी जाए, उसके लिए एक अलग फंड आए? हाँ, यानी हर पंचायत के अंदर गायों के लिए भाई जैसे ही मैंने फंड का नाम लिया, तुम लोगों को लगा भाई देखो, हर जगह खाने पीने की बात थोड़ी ना होती है। जहां पे बात आई, सही बात है, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही। एक फंड एलोकेट किया जाना चाहिए, चारे की व्यवस्था होनी चाहिए, चारे की जरूर व्यवस्था होनी चाहिए। और अगर चारे की व्यवस्था नहीं होगी तो वो हाईवे पे आएंगे और रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। एक बार नंबर आ जाए। राजनीतिक तौर पे ये तारों की व्यवस्था करते हैं, वो करते हैं, लेकिन असल चीज पे नहीं आते। जी मैं आ रहा। मैं एक युवा खड़ा है, बैठा बहुत देर से। अरे तुम ही युवा हो यार, ऐसा होता है कभी कभी आदमी भूल जाता है कि कौन है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शिव कुमार शर्मा है और मैं बस्सी में लगभग 15 साल से रह रहा हूँ। युवा हो ये मुझे मालूम है, लेकिन मुंह के अंदर क्या है? नहीं, वो तो गुटखा खाता हूँ मैं सर। नहीं, जो सही है वो मैं बोल रहा हूँ। तुम ईमानदार देखो, बस्ती में तो कोई झूठ बोलता ही नहीं। बिल्कुल सर, और ये गलत चीज है, गलत शोक है। अब मैं ये दूसरा जो गलत शोक मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे राजनीति करने वाले नेता बहुत आते हैं, हर घर में नेता है, लेकिन आज तक किसी ने भी युवाओं के बारे में ये नहीं सोचा है कि यहाँ का युवा है, कोई जयपुर जा रहा है नौकरी करने के लिए, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई बैंगलोर जा रहा है, कोई कोलकाता जा रहा है। मैं खुद कोलकाता से जॉब छोड़ के आया हूँ और बस्सी हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, एक भी युवा यहाँ से नौकरी करने के लिए नहीं जाता। तो उसके लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। राजस्थान की गवर्नमेंट जो भी बने उसको ये ध्यान दे कि यहाँ का मिनिमम वेजेस बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ का मात्र 5200 रुपये मिनिमम वेजेज है, और स्टेट में आप देखोगे तो 12,000-10,000, यानी एक भी लेबर काम करने जाएगी तो उसको 10,000-12,000 रुपये पर महीने का मिलेगा। और हमारी राजस्थान सरकार ने यह कर रखा है कि मात्र कोई भी लेबर काम करने जाए 5200 से 5300 रुपये मिलते हैं। ऐसा क्यों दुष्प्रचार हो रहा है? बहुत ही अच्छा। हाँ जी, बहुत अच्छा नौजवान, मैं तुम्हारे सवाल को अप्रिशिएट करता हूँ। और कलकत्ता में काम करता था, कलकत्ते से छोड़ के यहाँ आ गया। घर में कौन कौन है बेटा? घर में पापा हैं, मम्मी हैं, भैया है, भाभी है। भाई बड़ा है छोटा? मेरे से बड़े हैं, वो खेती करते हैं, वो गांव रहते हैं, गांव करते हैं। और बच्चे हैं, बीवी है। बहुत अच्छा, बहुत। वहाँ पे कलकत्ते में थे, कलकत्ते से आए, इन्होंने मिनिमम वेजेस की सवाल सर, जी। ये हमारे पूरे गांव की तरफ से, ये राजस्थान की परंपरा है कि जो भी हमारे अतिथि आए ये सबसे बड़ा सम्मान होता है उसके लिए। तो ये हमारे पूरे गांव की तरफ से ये आपके लिए एक छोटा सा सम्मान है, इसे स्वीकार करें आप। क्या बात है सरपंच जी, वाह, बहुत स्वागत है सर। साहब आपने एक बड़ा भार रख दिया मेरे माथे पे। जी जी, बस्सी की पूरी जनता का मान है आपके ऊपर, और स्वागत है आपका। सवाल ये है कि जो आपने ये माथे पे सम्मान रखा है,
यकीन मानिए अब तो लग रहा है 2019 का चुनाव में भी यहाँ आना पड़ेगा। आऊंगा साहब, आऊंगा आऊंगा। वो जो नौजवान खड़ा है मेरे सामने, उसके चेहरे की जो मुस्कान है, जो उसके आंखों का जो सवाल है, अगर अगर मुझे वो सवाल नहीं दिखता और उसके चेहरे की मुस्कान अगर मुझे नहीं समझ में आती, तो फिर बेकार है मेरा चिल्लाना और बेकार है मेरा जगह जगह घूमना। मैं इसी विश्वास और इसी अहमियत के लिए बार बार कहता हूं, मैं फिर आऊंगा। आपका सवाल बहुत अच्छा था। और जी जी सरपंच जी बताइए, गांव के जो अहम मुद्दे हैं जी, उनको यहां से जिसको भी प्रतिनिधित्व विधानसभा में बोले। सरपंच जी, सरपंच जी तो पूरी ताकत लगा रहे, तुम ही अपने कान बंद किए हुए हो, खोलो अपने कान। विधानसभा में अब तक जिसका भी यहाँ प्रतिनिधित्व रहा है जी, जी, उन्होंने बस्ती की बार बार उपेक्षा करने का प्रयास किया है। जो बस्ती के अहम मुद्दे हैं, जो पानी की बहुत ज्यादा समस्या है यहाँ, सुना कि नल है पानी नहीं है। हाँ बिल्कुल, ऐसी स्थिति बनी हुई है। यहाँ बीसलपुर का बड़ा प्रोजेक्ट आने के बावजूद भी बस्ती को उससे वंचित रखा गया। ये पिछली जो सरकार है उसी की जवाबदेही बनती है। उसके बावजूद हमने पीएचडी में रेगुलर प्रयास करके 9.25 करोड़ रुपए हमने सैंक्शन कराया, लेकिन राजस्थान सरकार ने बजट का अभाव होने के बता करके उसको सैंक्शन नहीं किया। ये बहुत बड़ी विडंबना है इस बस्ती की कि आज कस्बा 17-18 हजार वोटर, जिसकी आबादी कम करीब 45 हजार है, उसके बावजूद भी यहाँ पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात, यहाँ इतनी बड़ी ग्राम पंचायत होने के बावजूद यहाँ नगर पालिका का दर्जा बस्ती को मिलना चाहिए था, ये वाजिब मांग थी, लेकिन पिछली सरकार ने, जो वर्तमान सरकार है, उसने नगर पालिका का दर्जा जो गहलोत सरकार ने दिया 98 के अंदर, उसको पुनः वापस खारिज कर दिया इसके यहाँ से, है ना। नगर पालिका का दर्जा नहीं मिला, उसके कारण यहाँ का विकास अवरुद्ध है। पंचायतें 3000 रुपये भी पंचायत हैं और पंचायत 18000 रुपये भी पंचायत है। जितना पैसा 3000 की पंचायत पे आ रहा है, उतना ही पैसा हमारे यहाँ आ रहा है, तो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है ये। ये बड़ा मुद्दा है निश्चित तौर से। सरपंच जी आऊंगा, मुझे थोड़ा रास्ता दीजिए तो मैं उधर तक जाऊँ। जी जी जी, कहाँ प्रधान जी? प्रधान जी मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। सरपंच जी के पास गया तो प्रधान जी के पास भी आऊंगा, पक्का आऊंगा जी। हाँ उधर तक जाने दीजिए जरा भैया, वेरी गुड। आइए आगे आइए, कौन बोलना जा रहा था? आइए आइए जल्दी आइए। हाँ हाँ, मक्खन भैया कहाँ है? कहाँ है मक्खन भैया? ये अच्छा, आओ मक्खन भैया आओ। लखन सर, लखन, लखन भैया आओ, बोलो लखन भैया। हाँ मेरा एक ही मुद्दा है यहाँ पे। एक मिनट बैठो, आप बैठो, आप बैठो, चुनाव ना खड़े हो तो बैठ जाओ। हाँ जी, मेरा एक ही मुद्दा है यहाँ पे, कि जो भी यहाँ विधायक बनता है उन्हें युवाओं को कोई मौका नहीं मिलता है। राजनीति के क्षेत्र में भी किसी युवा का आज तक मौका नहीं मिला है। जो भी आते हैं पुराने नेता ही आते हैं, क्या हमें भी मौका मिलेगा कभी? चुनाव लड़ना है, लड़ेंगे बिल्कुल सर, मौका मिलेगा तो क्यों नहीं लड़ेंगे, मौका तो मिले, बिल्कुल मिलना चाहिए मौका। तो राजनीति के क्षेत्र में हमारा भी भविष्य होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, स्थानीयों का मुद्दा होना चाहिए, बाहरी व्यक्ति हमें मंजूरी नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो मक्खन भैया का कहना है कि अगर अपना आदमी यहाँ हो, अपना आदमी हो और अपनी अपनी बात हो, तो क्या बात बन सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया लखन भैया, लेकिन चुनाव लड़ोगे तो बड़ा महंगा है सुना आजकल चुनाव लड़ना। कोई बात नहीं, मेहनत तो करेंगे ना, चुनाव पैसे तो लड़ देता है, ईमानदारी भी कुछ चीज होती है। गजब है भाई, चुनाव लड़वाते हैं ये। हाँ हाँ प्रधान जी बदल खड़े भैया साहब, आपको तो नहीं लड़ना चुनाव ना? पुरुषोत्तम जी से पूछना चाहता हूँ। अरे पुरुषोत्तम जी कहाँ गए? सुनो सुनो, अरे गए पुरुषोत्तम। सन 1990 से यहाँ बीजेपी बरकरार रह रही है। हॉस्पिटल की हालत देखो, महीने की 2000-2500 डिलीवरी है महीने की हॉस्पिटल में, 2500-2200। तो महिला कैसे जाती जब यहाँ पे सुविधा नहीं है? यहाँ एक इंजेक्शन की एक चीरे की सुविधा नहीं है, कई मौतें होती है। जयपुर रेफर कर देते हैं, देखते हैं डॉक्टर, जयपुर रेफर, यहाँ कोई काम रेफर भी उस पोजीशन में करते हैं, वो डिलीवरी रस्ते में खत्म होती है, बच्चा खत्म। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, इसे बता रहे हैं। दो चार ये मौतें होती है, कभी बच्चा खत्म होगा तो कभी महिला खत्म होती है। 2200 डिलीवरी औसत बस्ती में डिलीवरी होती है हॉस्पिटल। यहाँ एक डॉक्टर है, एक नर्स है, आप ताज्जुब करोगे। सन 1990 से बरकरार ये लोग चल रहे आ रहे, रेल बिजली पानी, पानी के तो नल है, पानी तो है ही नहीं। यहाँ कॉलेज की इतनी अब बहुत समस्या है, यहाँ से डेली की 400 बच्चियाँ जाती है जिनकी दुर्दशा है। घर वाले डरते हैं, व्यवस्था बसों की या और किसी चीज की नहीं है, बच्ची को कोई दूर नहीं भेजना चाहती है। 10वीं 11वीं के बाद बस्ती की जनता की
सारी बस्ती 36 कौम की इतनी दुखी है। मैं बताऊं सन 1990 से इन लोगों को 100 बार का है, बस्ती में कन्या कॉलेज होनी चाहिए, बच्चियां बहुत दुखी है। अरे बच्चे भी दुखी हैं, पैसे वाले तो कहीं भी प्राइवेट पढ़ा ले, गरीब कहाँ जाए बच्चों को पढ़ाने, तो इतनी जरूरी है। सवाल पुरुषोत्तम जी, पुरुषोत्तम जी मुझे नहीं मालूम आपका परिचय क्या है, लेकिन हर सवाल जो सरकार की तरफ उठे उसका जवाब आप ही देंगे। मैं दे रहा हूं ना। नहीं आप बैठिए बैठिए बैठिए। मुझे ये सिवाई झूठ। बैठिए 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 मैं बैठिए 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 पहले बैठिए। मुझे नहीं मैं दूंगा, आप दीजिए बिल्कुल जी। पुरुषोत्तम जी पहले वहां बैठिए। नो नो बैठिए वहां बैठिए। नो नमस्कार। पहले तो मैं जवाब दे रहा हूं माननीय भूतपूर्व प्रधान साहब की जवाब बात का। 10 साल से यहां निर्दलीय को जिताया जा रहा है, सरकार कैसे निहाल करेगी साहब? मेरा निवेदन है, मेरा निवेदन है, मेरा मेरा निवेदन है कि सभी भाइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, चाहे पार्टी कोई सी भी हो, लेकिन आप पार्टी कैंडिडेट को लाइए, विकास होगा। और मैं विश्वास दिला रहा हूं कन्हैयालाल जी की तरफ से कि यहां महिला कॉलेज खुल के रहेगा। आप एक बार जिताइए, आप एक बार जिताइए, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं। बढ़िया 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 पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम प्रोग्राम करना है जी। युवा पीढ़ी की सुनोगे? बोलो बोलो बोलो। सब बोलते हैं कि मोदी ने क्या किया, मोदी वो चीज है जो सब कुछ कर रही है। अपनी भारतीय सेना है जो कि अपने देश की सुरक्षा करती है, उसके लिए मोदी तो कर रहे हैं। सियाचिन की जो सेना है जहाँ पर कन्हैयालाल की बात नहीं कर रहा, मैं कन्हैयालाल की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ मोदी की। कन्हैयालाल की बात हो ही नहीं रही, यहाँ पर बात यहाँ पर बीजेपी की हो रही है। कन्हैयालाल ने अब तक कुछ नहीं किया, लेकिन अब करेगा ना वो। सर समस्या है तो क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बोलो। नो 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 प्लीज, मैं बंद कर दूंगा प्रोग्राम 2 मिनट में, प्लीज बंद करो ये जी। भैया जी पार्टी कोई सी भी हो, बस शर्त ये है कि मुद्दे तो सामने काम तो करें ये लोग। मैं ये नहीं चाह रहा पार्टी कोई सी भी हो, चाहे कांग्रेस चाहे बीजेपी कोई सी भी हो, लेकिन बस्ती की समस्या तो सुलझाए। ये बोलते हैं निर्दलीय को वोट देते हैं, अरे समस्या कोई तो सुने। पार्टियों का एंटी वोट पड़ रहे तो पार्टी क्यों नहीं सोच रही, क्यों नहीं पार्टी निकल रही यहाँ से? ये सोच रहे थे ना भाई, एंटी वोट क्यों पड़ रहे हैं? जहाँ से एंटी वोट पड़ने का मतलब ये है कि पार्टी काम नहीं कर रही कोई सी भी। सर सर ये समस्या है तो ऐसे ही चलती रहेगी, हमने सुनते आ रहे, आप भी सुन रहे, हम भी सुन रहे, लेकिन बस्ती की लोकल जनता को तो वानरों से मुक्ति नहीं मिली अभी तक। किसे? वानरों से, बजरंगबली के भक्तों से मुक्ति नहीं मिली, सारी जनता त्रस्त है वानरों से। समस्या कहाँ से दूर होगी? वानरों से मुक्ति नहीं मिली जी, वानरों से, बंदरों से जी। जी सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हल्ला हल्ला करने से पहले बस्ती की समस्याओं पर अपन गौर करें, विचार करें, पार्टी पॉलिटिक्स के लिए 7 तारीख का जी तमाम बातें तमाम मौके मिलेंगे, पहले बस्ती की बातें सुन लीजिए जी। जी समस्या मतदान करने के लिए 7 तारीख का है, 7 तारीख को सब मतदान करें और ज्यादा से ज्यादा जिस भी प्रत्याशी को आप समर्थन करते हैं उसका मतदान करें। आज मुद्दा यह है कि बस्ती की जो समस्याएं हैं, बस्ती की जो समस्याएं जिनका 20 साल से समाधान नहीं हुआ, उनका समाधान के बारे में सोचे और समाधान कौन करेगा, कौन करेगा फैसला यह है। बाजी दरअसल यहाँ पर क्या होता है जिसका इशारा मैंने पहले किया था, पॉलिटिकल पार्टी पिछले 2 बार से नहीं है, इंडिपेंडेंट है यहाँ पर। सवाल यह है कि देखिए
लोकतंत्र, ये लोकतंत्र है, कोई किसी को भी जिता सकता है और जिताता है, और उसकी ताकत बहुत बड़ी है। लिहाजा जो भी है वो मुद्दे आप रखें, मैं लूंगा, लेकिन इस तरह से नहीं। आपको मैंने मौका दिया और भैया जी और देश को जवाब दो, मैं एक बार अगर मौका आ गया तो समझ लिया गंगा नहा लिया आपने। जी जी खड़े हुई जी जी बोलिए। सवाल पूछिए। आज हमारे जो समस्या है, अभी सब लड़ रहे हैं कि कांग्रेस का व्यक्ति नहीं आ रहा, बीजेपी का नहीं आ रहा। आप मुद्दा बोलिए। मुद्दा ये है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी जो यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे बालिकाओं के लिए विद्यालय होना चाहिए अधिक। वो तो बात आई, वो ही है सर, उन्होंने वादा किया जी। वो सर वादे तो 70 साल से हो रहे हैं सर, 70 जब से गवर्नमेंट बनी है सर, और ये कहते हैं कि कोई नेता, अरे आप में दम होना चाहिए, एक नहीं पूरी दुनिया मिलके आपको सपोर्ट करेगी। एक भी ऐसा प्रतिनिधि नहीं है यहाँ का जिसकी इतनी बड़ी प्रतिभा हो कि सभी बिना कुछ भी सोचे हुए उसके साथ हो जाए, क्योंकि हमारे प्रतिनिधि ऐसे हैं कि कभी इसको तो साथ ले लिया, इसको छोड़ दिया, इसको पकड़ लिया, उसको छोड़ दिया। तुम सबको साथ लेके चलो, कोई निर्दलीय नहीं रहेगा, कोई पार्टी का नहीं रहेगा, वो रहेगा जो जनता के साथ रह के काम करता है, हम सब उसके साथ आएंगे। खड़े होइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? श्री राम शर्मा। हाँ जी, श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा, आजकल तो श्री राम कहना भी बड़ा नहीं, हम तो कहने में मुझे तो कोई हिचक नहीं है। जय श्री राम। जब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया तो मैंने भी बोलना शुरू कर दिया। जय श्री राम। जी बोलिए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार ने जो बजरी खनन बंद करके और मजदूर वर्ग पे आघात किया है, उसके लिए वसुंधरा सरकार को कोई माफ नहीं करेगा। मुझे बताइए, बजरी कहाँ से खनन हो रही थी? बजरी का जो यहाँ पे व्यापार था उसको खनन कहाँ से हो रही थी? बनास नदी। बनास नदी, नदी खोद डाली पूरी? नहीं डाली, उसे रोक दिया। नहीं तो नदी बची? नदी बची या खत्म? नदी वैसे भी खत्म ही, सूखी पड़ी है। और खोद डालो। खोदने का क्या, मगर मजदूर वर्ग को तो परेशान कर दिया ना जो सामान। अरे शर्मा जी, नदी तो बची नहीं, अब बचोगे कैसे? आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। क्या नाम है बाबू? जय हिंद सभी को। हाँ, जय हिंद, जय हिंद। क्या नाम है? मेरा नाम रघुवीर सिंह है जी। सर मेरी समस्या यह है कि अपने सवाल यार, कितना नौजवान है बाबू जी, अरे इसकी बात तो सुनो, नौजवान आदमी है बेचारा, कह रहा है जी जी। सर बस्सी के इलाके में डिफेंस अकेडमी नहीं है, यहाँ पर डिफेंस अकेडमी है। यहाँ बहुत सारे नौजवान हैं जो फौज और पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं। हाँ। उनको जयपुर या सीकर जाना पड़ता है, अपने कोट खावदा लाडसौ दौसा में या कहीं पर डिफेंस अकेडमी नहीं है जी। हम उसमें द्वारा जिताएंगे जो यहाँ डिफेंस अकेडमी खोलेगा। डिफेंस अकेडमी खोलनी चाहिए। जय हिंद जय भारत। बहुत बढ़िया सवाल, जय हिंद, बहुत अच्छा सवाल। बहुत देर से चुपचाप खड़े हो, सब कुछ देख रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो। क्या नाम है तुम्हारा भाई? मेरा विक्रम शर्मा है सर। विक्रम सिंह, कुछ कहना चाहते हो? कुछ नहीं कहना चाहता। एक मिनट, एक मिनट। अरे दूसरे, मतलब दूसरे के हिस्से में तुम जरूर नेता बनोगे। यहाँ पे जो बात हो रही है ना, जो बस्सी के बिका राजनीति की बात को छोड़कर बस्सी के हित की बात करो, बिना फालतू की बात मत करो भाई, वो जीतेगा ये करेगा, अपनी बात करो। यहाँ पे जो भी बस्सी की बात करो और कोई बात। जी बाबू जी खड़े हुई है जी। क्या, मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ जी। सर मैं कैलाश मीणा। कैलाश मीणा जी, बस सिक्रे नमस्ते, सिक्रे नमस्ते नमस्ते। सुना 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 15 में 14 आप ही हैं। नहीं नहीं ऐसे कहिए, अपनी बात कहिए जी। मैं सभी भाई लोगों को ये कहना चाहता हूँ। हाँ। बस्सी में जैसे 10 साल से कोई धनी दोरी नहीं है ना बस्सी का। हाँ। वो हाल तो करो मत। हाँ। पार्टी पॉलिटिक्स की बात करने के लिए भाई साहब ने पहले मना कर दिया था। हाँ। आप पार्टी पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, ये बात गलत है। हाँ। बस्सी के जो जनहित के मुद्दे हैं। हाँ। उनके बारे में बात करो। देखो मुझे मुझे सारे मुद्दे याद हो गए, सारे मुद्दे याद हो गए। मैं अभी बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अभी तक किसी ने नहीं बताया यहाँ के किसानों के लिए यहाँ कोई वेयरहाउस नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, और उनको अपनी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिलता है। किसानों का मुद्दा पाजी अब परे हटो, अब आया मुद्दा असली। किसानों का मुद्दा बड़ा मुद्दा है, और सिर्फ बस्ती का मुद्दा नहीं है, पूरे देश में छाया हुआ है मुद्दा जी, और दिल्ली तक ये मुद्दा छाया हुआ है। और मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने ये मुद्दा उठाया, और आपने कहा कि वेयर हाउस होना चाहिए,
कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए और फसलों के उचित दाम मिलने चाहिए। बिल्कुल राइट। आपके पास कितनी काश्तकारी है साहब? बस्सी में मैं आपकी आपके पास कितनी जमीन है? मेरे पास जी, मेरे पास 15 बीघे जमीन है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। आप बोलिए जी। मैं चाहता हूँ यहाँ के किसानों के पास खूब मात्रा में सब्जी पैदा होती है और जींस भी पैदा होती है, अनाज गेहूं। एक चीज बताइए, जैसे मिसाल के तौर पे, मैं एक मिसाल के तौर पे 10, मैं आ रहा हूँ बाबूजी, आप ही का सवाल पूछ लूँ, पेट का सवाल है ये, 10 रुपए में आप गोभी आपसे खरीदते हैं जी, आप यहाँ देते हैं जी, मुझे वो दिल्ली में 60 रुपए किलो मिलती है। किसान का शोषण है ये, किसान का शोषण है उसकी। अरे मेरा शोषण हो रहा है, मैं 60 रुपए दे रहा हूँ। दलाली पड़ता है, बीज का कौन है वो हिस्सा? ये डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होने की वजह से लुट रहे हैं आप भी। बिचौलिए, बिचौलिए, बड़ा मुद्दा है पाजी, पाजी ये बड़ा मुद्दा, मुझे मालूम है बड़ा मुद्दा है। ऑफ कोर्स जी 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 जी। राजेंद्र कुमार का? हाँ, एक मिनट बैठ जाओ बाबू, तुम्हारा चेहरा पाजी, एक काम करो, राजेंद्र जी के ऊपर आने से पहले इसका चेहरा दिखा दो एक बार, चेहरा इसका दिखा दो पहले जी। हाँ, मैं राजेंद्र कुमार कास्ट। हाँ, राजेंद्र कुमार कास्टलीवाल, बस्सी, बस्सी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर में मेरी फैक्ट्री है और वहीं पर प्लाईवुड, मतलब अब बात हो रही है इंडस्ट्रियलिस्ट की, व्यापारी की, किसान की बात हुई और अब व्यापारी की और इंडस्ट्रियलिस्ट की बात। हाँ जी, सुनना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। देखिए यहाँ पर करीब 150 से 200 फैक्ट्रियां यहाँ पर कार्यरत है। अच्छा। हाँ, यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है वो आगरा रोड के ऊपर में है जी, और यहाँ की जनता जैसे अभी बीच में आई कि काम नहीं मिलता है जी। मैं आपको यहाँ पर आदेश, मतलब निवेदन करता हूँ कि जितने लोग आए वहाँ पर काम मिलेगा, कोई जाना तो चाहे, काम तो करना चाहे, बातें करने से क्या होता है। मैं देता हूँ काम, मैं दिलवाऊंगा काम, हमारे इंडस्ट्रियल एरिया का प्रेसिडेंट हूँ मैं दिलवाने की कोशिश करूंगा, लेकिन कोई आवे तो सही काम करने के लिए। आप बोलना है ना। दूसरी बात, खड़ो, बड़े 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 बड़े। सर आप एक मिनट, मिनिमम मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं उन्हीं से ये सवाल पूछता हूँ कि आपका बेटा MBA करने के बाद में 5,000 की नौकरी करेगा क्या? मैं पूछना चाहता हूँ उनसे, MBA करने के बाद में 6 लाख रुपए खर्च होता है कम से कम, और एक किसान का बेटा कैसे बढ़ाता है उसको? किसान जानता है, ये जानते हैं कि उसको 6 लाख रुपए कैसे मिलते हैं, और उसका बेटा अगर 6 लाख की नौकरी करने के बाद में 5,000 में नौकरी करेगा, उनका बेटा करेगा नौकरी? देखिए, किसने कहा 5,000 की नौकरी मिलती है? काम की योग्यता के अनुसार नौकरी मिलती है। कंप्यूटर के लोगों की इतनी आवश्यकता इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर में, 15,000, 20,000, 25,000 की तनख्वाह मिलेगी। आप आइए वहाँ पर, कोई जाने को तैयार तो हो, लेकिन कोई नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? बातें करते हैं। दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा है कि खेती के बारे में, वसुंधरा जी ने यहाँ पर फार्म लिया, यहाँ पर गन्ने, अनार की खेती के लिए, जैतून की खेती के लिए इसराइल की पैटर्न लेके आए, मैंने खुद ने 1200 पेड़ लगाए अनार के। मुझे मालूम है। हाँ साहब, ये कह रहे हैं 15,000-20,000 रुपए हमारे, अब अभी नाम लिखो, 20,000 रुपए नए हैं तो अभी लिखो। अरे एक दूसरी बात है, ये राजनीतिक चलन है बाजी, बाजी, मुझे मालूम है, बड़े सवाल हैं, लेकिन 2019 मेरा वादा है, देखें इसमें कितनी बातें पूरी होती है। आज अभी बस सिर्फ इतना, फिर ओके मुलाकात।